हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। सो यहाँ पर आज हम बात करने वाले डेडीज अडानी ग्रीन के। यहाँ पर जो है मार्केट में क्वार्टरली 2 रिजल्ट आ चुके हैं। सो इस रिजल्ट्स के आने के बाद आपको इस शेयर के अंदर, इस कंपनी के अंदर किस तरह से यहाँ पर आपको प्राइस मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को, इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अच्छी बात ये कि कंपनी के यहाँ पर जो है क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें यहाँ पर आपको 30% का राइज देखने को मिल रहा है, और वो हो चुका है 1411 करोड़ रुपीज़। और उसके अदर दैट इज़ कॉन्ट्रेरी साइड पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टरली बेसिस पर इतने निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। और उसके अंदर हम यहाँ पर देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट जो है कंपनी के यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर 54% गिरकर हो चुके 100 करोड़ रुपीज़। यह नेगेटिव सेंटीमेंट बता रहा हूँ। उसके साथ साथ में अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखें, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पर 97% बढ़कर हो चुके 1411 करोड़ रुपीज़। एज वेल एज यहाँ पर कंपनी ने पिछले साल जो है 17 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इस बार जो है यहाँ पर बढ़कर हो चुका है 100 करोड़ रुपीज़। मार्केट कैप की बात करें तो 1,84,115.76 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि इस कंपनी को एक लार्ज कैप स्टॉक जरूर बना देता है। और उसके साथ साथ में फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपीज़। बीटा है इसका 0.46, जो कि आपको बताया था कि अगर इंडेक्सेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है, तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एवरेज बेसिस पर 0.46% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली यहाँ पर इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 23.04। अगर उसके मुकाबले भी अगर हम इस शेयर को कंपेयर करें, तो काफ़ी प्राइस टू अर्निंग के सबसे काफ़ी महंगा शेयर जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। 696.57 का प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक के हिसाब से भी काफ़ी ओवर वैल्यूड शेयर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अडानी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 107.02 का प्राइस टू बुक है, और बुक वैल्यू शेयर की सिर्फ 11 रुपीज़। कंपनी के यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो 2020 में कंपनी ने यहाँ पर लॉस जरूर किया, बट 2021 के अंदर यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू उसके अंदर भी आपको एक अच्छी खासी जो है अप ट्रेंड देखने को मिला। और उसके साथ साथ में जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कि पिछले 3 साल से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिला, और इस साल लेडी 2021 के अंदर यहाँ पर कंपनी ने एक अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्केट प्राइस के सबसे बात को तो इसका 5-ईयर हाई प्राइस है इसका 1390, और करंटली मार्केट के अंदर भी अभी नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है, और कंपनी के रिजल्ट भी इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आए हैं, तो उसके कारण नियरली 4.65% की गिरावट के साथ 1150.05 रुपीज़ के आसपास जो है यहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी का जो शेयर है यहाँ पर मार्केट में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट करेक्शन या फिर कंपनी रिजल्ट इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आने के कारण अगर शेयर 800 के लेवल तक अगर फिर से जाता है, जो कि थोड़ा बहुत मुश्किल ज़रूर होगा अगर बेरिश ट्रेंड मार्केट में कंटिन्यू रहता है तो, बट फिर भी अगर 800 या 780 के प्राइस के अंदर जाता है, तो मेरे आपसे आप फ्रेश एंट्री इस कंपनी में कर सकते हो। सो होप करता हूँ कि आपको अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी का यहाँ पर जो मार्केट में यहाँ पर कंपनी के क्वार्टरली 2 रिजल्ट आए हैं, वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गए होंगे, और उसके ऊपर आपको अपना क्या डिसीजन बनाना है, क्या व्यू पॉइंट बनाना है, वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।